जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फजूल है कद आसमान का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ नवाज़ और इस वीडियो में मैं आपको कामयाबी का तरीका बताऊंगा कि आप कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं आज आपको 3n + 2n = 5n के ज़रिए बताऊंगा कि आप कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। इन 5n पर आज आप अमल करेंगे, अपने वाली ज़िंदगी में अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पहली जो 3n हैं उनमें से जो पहली n है वो है अकीदा। मेरे भाइयों, आपका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, आपको अंदर ही अंदर यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम कर जाऊंगा और मैं ये काम करने के काबिल हूं और मैं ये काम कर सकता हूं। तभी जा के आपका अकीदा दुरुस्त होगा और आप अंदर से पुख्ता होगे, आपका अंदर से यकीन होगा और फिर जाके आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे और कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो फिर आपकी कामयाबी मुश्किल है। नंबर 2 जो ऐन है वो है इल्म। मेरे भाई, जो भी आप करना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं, तो आपका उस फील्ड के रेलिवेंट, उस फील्ड के मुतलिक इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे भाई आपका उसके मुतलिक इल्म ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि उस फील्ड में होता क्या, उस फील्ड में जो माहिर है वो कहाँ तक पहुँचे हैं, माहिर हैं कौन और उन्होंने कब तक ये किस दौरानी में अपनी कामयाबी हासिल की, आपका इल्म ही नहीं होगा तो फिर आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। तो पहला ऐन है अकीदा, दूसरा ऐन है इल्म। अपने इल्म को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, अकीदे को पुख्ता कीजिए। और नंबर 3 जो ऐन है वो है अमल। अपने अमल को भी पुख्ता कीजिए और पहले अपना गोल सेट कीजिए, उसके बाद फिर अमल कीजिए। यानी कि आपने अगर 6 महीने का गोल तय किया तो उसे 1 महीना, 2 महीने और ऐसा ऐसा करके छोटे छोटे स्टेप्स में तकसीम कीजिए और उन पर अमल कीजिए। जब तक आप अमल नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि कामयाबी का जो पहला मीनार है वो ही है, वो भी अमल ही है। और अमल फिर नहीं किया तो फिर कामयाबी मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो अमल ज़रूर कीजिए, अकीदा हो गया, इल्म हो गया, अमल हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। और कामयाबी के जो अगले 2 ऐन हैं उनमें से जो पहला ऐन है वो है अकल। मेरे भाइयों, आपका जो अकल है उस कामयाबी को तस्लीम करना चाहिए। अगर आप अंदर ही अंदर अपने अंदर सोच रहे हैं कि मैं कामयाबी हासिल नहीं कर सकता तो फिर मेरे भाइयों आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। आपको चाहिए कि आपको अंदर ही अंदर मानना चाहिए कि मैं कामयाबी हासिल कर लूँगा, तभी जाके आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपकी अकल जो है वो अंदर ही अंदर अपने गोल को, अपने पर्पज़ को, अपनी ज़िंदगी को, ड्रीम को तस्लीम ही नहीं करती कि मैं कामयाबी हासिल कर पाऊँगा, तो फिर वो कैसे कामयाबी हासिल करेगी। यानी कि आपको अपने अकल को मनाना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम करने काबिल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा जो गोल है, जो मेरा पर्पज़ है, या मैं अपने टैलेंट को डिस्कवर करके आगे चल के कामयाबी हासिल ज़रूर कर लूँगा, तो आप ज़रूर कामयाबी हासिल कर लेंगे। अपनी अकल को तस्लीम कराइए। और नंबर जो 5 ऐन है या दूसरा ऐन है वो है इश्क। मेरे भाई, इश्क से मुराद है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको इश्क होना चाहिए। यानी कि मैं तो आपको यही बताऊंगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका टैलेंट होना चाहिए। जब भी वो आपका टैलेंट होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, आपका जो वक्त है वो चुटकियों में गुजर जाता है, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं होती, आपको मुआवजे की भी कोई परवाह नहीं होती। तो आपका जो इश्क है वही अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो अपने इश्क को ढूंढिए। इस पर मैं पहले भी 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ, वो वीडियोस जाके देखिए इस चैनल पर, हो सके तो मैं उनको आई बटन में डाल दूँगा। और अपने इश्क को ढूंढिए और वही काम कीजिए जिससे आपको इश्क है, जिससे आपको अगर पैसे नहीं भी मिले तो तब भी आप करेंगे। आप सुबह बैठते हैं, शाम तक करते रहते हैं, आपको वक्त का एहसास नहीं होता। तो अपने इश्क को ढूंढिए, ये 5 ऐन हैं कामयाबी के। अगर आप इन 5 पे, पहले 3 पे, उसके बाद 2 पे अमल कर लेते हैं तो मैं लिख के आपको देता हूँ कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आप फिर कामयाबी आपकी मुंतज़िर हो जाएगी। कामयाबी आप अकेले बैठे होगी कि वो आपने मेहनत करके आए और मैं उसके गले लग जाऊँ, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। और यही वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल लीजिए। बेल आइकन को दबाइए। अल्लाह आपका।